मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में हिंदी का पार्ट 7 बालक का स्वप्न पढ़ेंगे। तो आपको जैसे कि मालूम है, आपका चैप्टर जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं केवल चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। वह स्वप्न में एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? यानी एक दिन सपने में वो चिल्ला रहा था कि अहो मेरा भाग्य। तो सेठ ने उसको जगाया और पूछा कि क्यों चिल्ला रहा है। तो वो लड़का कहने लगा, यूं ही कोई ख़ास बात नहीं, कि ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस ऐसे ही। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पुनः मतलब दोबारा से पूछा उसने, पर वह टाल गया, यानी उसने फिर भी टाल दिया। उस दिन से वह बालक छिप कर पढ़ने लगा। छिप कर मतलब चुपचाप, बिना बताए किसी को। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या फिर मेरे यहाँ से काम करना बंद कर दे। या तो तू मुझे आज अपने सपने की बात बता, नहीं तो मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने सपने की बात ना बताकर उसने मालिक के यहाँ काम करना, नौकरी करना ही छोड़ दिया। तो देखिए अगला, उसने पढ़ाई चालू रखी। इस बीच उसे गाँव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी मिल गई, यानी सेठ के यहाँ से फिर वो कहाँ पहुँच गया, ज़मींदार के यहाँ पहुँच गया, वहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा तो सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूँगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। धुन का पक्का मतलब जो सोच रखा था उसे पूरा करने वाला, और दृढ़ निश्चयी पक्के इरादों वाला था वो, है ना। तो फिर उसके बाद आ गया जाइए, उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया, यानी उसने नौकरी को छोड़ दी और फिर उसने वहाँ भी कुछ नहीं बताया ज़मींदार को भी। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, यानी अपनी पढ़ाई जो थी वो पहले की तरह ही जारी रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर बन गया, यानी एक साधारण सा नौकर बन गया। और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया, यानी क्योंकि वो चतुर और होनहार तो था ही, तो ऐसा करते करते पहले वो एक साधारण नौकर बना और धीरे धीरे उन्नति करते करते वो राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात मतलब अचानक, एक दिन वही ज़मींदार राजा के यहाँ आया और उसे पहचान लिया, उसने उस लड़के को पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा को सब कुछ बता दिया कि किस तरह सेठ ने उसे निकाला और उसके बाद स्वप्न की बात उसने पूछी तो उसने उसे निकाल दिया, ये सारी बात। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा कि मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए, या तो वो सपना आप हमें बता दो और नहीं तो फिर सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसके आगे देखिए, मंत्री ने स्वप्न की बात बताने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। राजा ने नाराज़ होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन के बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली, यानी उसने वहाँ पर बॉर्डर पर अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया। उसने इस राजा तथा उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से कौन सी माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल ना कर सका। राजा को नौकर मतलब जो पड़ोसी राजा था वो उन पर चढ़ाई करना चाहता था और वो ये जानना चाहता था कि यहाँ का राजा और उसके मंत्री कितने विद्वान हैं, कितनी बुद्धि है उनमें। तो ये जानने के लिए उसने 2 घोड़ियों को भेजा कि और पूछा कि इसमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। तो कोई भी उस बात का जवाब नहीं दे पाया। तो राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा को की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ, जो आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। तो उसने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं है, उन दोनों को आप नदी में नहलाने के लिए ले जाइए, जो आगे नदी में घुसे समझ लो वही माँ है और जो उसके पीछे चले वही समझो उसकी बेटी है। फिर देखिए, इसके बाद उसी प्रकार
दो तीन प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच कर कि इसे हराना कठिन है अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है हम उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई है ना, क्योंकि भाई सब लोग है ना हैरान रह गए। सनसनी फैलना मतलब कौतूहलता, हैरानी कि उस बंदी मंत्री की चारों तरफ प्रशंसा होने लगी, सब लोग तारीफ करने लगे। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल अचल संपत्ति दी, यानी उस राजा ने तो अपनी बेटी की शादी की और आधा राज्य दे दिया, और इस राजा ने भी उसे बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत दी उसे। आगे देखिए, कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदारों, सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, यानी जिस जिसके यहाँ वो काम कर चुका था तो उन सबको उसने अपने यहाँ बुलाया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के एक विशाल और सुसज्जित कक्ष में, यानी पलंग पर यानी बेड पर, और बड़े से सुसज्जित मतलब बहुत अच्छी तरह से सजे हुए कमरे में लेटा हुआ था। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे, यानी कई नौकर भी उनकी सेवा में लगे हुए थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे, चारों व्यक्ति यानी सेठ, जमींदार, राजा है ना वो सब। तो देखिए, तब मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग यहाँ इस समय देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था अहो मेरा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा नहीं होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ या अपमान के वशीभूत आप लोग मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। ये हो सकता है कि आप मुझे अपमान, ईर्ष्या या उसके कारण आप मुझे मौत के घाट उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो भी विचार आए तो उनकी बेकार में चर्चा, व्यर्थ यानी बेकार में चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध मतलब पूरी स्कीम के साथ तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, यानी अपने कर्मों, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति कुछ कितना भी बड़ा काम हो उसे पूरा कर सकता है। तो आज के लिए आपको केवल ये सारे शब्द अर्थ जितने आपके इस चैप्टर में दे रखे हैं वो सारे शब्द अर्थ करने हैं, यानी चैप्टर 7 के शब्द अर्थ आज आप होमवर्क में कॉपी में करेंगे। थैंक यू।